हेलो एवरीवन नमस्कार मेरा नाम है राहुल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी 2024 टारगेट का लेक्चर नंबर टेन जो कि है हमारा फंडामेंटल राइट्स तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट वन एंड पार्ट टू हम पढ़ चुके हैं तो आप मेरे को बताएंगे कि पार्ट वन एज वेल एज पार्ट टू इसमें क्या डिस्कस किया गया है और कौन से कौन से आर्टिकल इसमें है क्लियर चलिए तो फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर आर द दैट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान है वो गारंटी करता है इन राइट्स की कि भाई ये मूल अधिकार जो है हमारे लोगों के पास होंगे ही होंगे और सरकार इनको जो है ज्यादा बदलाव इसमें फेरबदल नहीं कर सकती है क्लियर मतलब यहां पे कई तरीके की गाइडलाइंस आप इस तरीके से देखेंगे जहां पे सरकार को प्रोहिबिट किया जाएगा क्लियर कि सरकार ये नहीं कर सकती क्लियर जैसे अरेस्ट अगेंस्ट आ, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन तो यहां पे एक प्रोहिबिशन टाइप ऑफ जो है राइट है ये कि सरकार को स्टेट को यहां पे मना किया गया है कि यू कैन नॉट डिटेन अ पर्सन ऑन एन अननेसेसरी ग्राउंड्स क्लियर चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट जो है वो आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच क्लियर यहां पे जो है इन आर्टिकल्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं सभी के सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो इनकी इंस्पिरेशन ली गई है कि कहां से ये लिए गए हैं वो आया है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से के जो मूल अधिकार होंगे क्लियर वो यूएसए के लोगों को जैसे बिल ऑफ राइट के तहत दिए गए हैं वैसे ही हमारे यहां फंडामेंटल राइट दूसरा दिस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के किंग और उनकी प्रजा के बीच का एक एग्रीमेंट है कि भाई किंग जो है अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता प्रजा को कुछ राइट्स जो है देने पड़ेंगे क्लियर So, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देते हैं वो है कि इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसबल फंडामेंटल राइट मीन्स जस्टिसबल जो वर्ड है इस बात पे आप ध्यान दें। जस्टिसबल का मतलब होता है दे आर दे कैन बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स कानून के पास ऐसी सुविधा है सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी सुविधा है कि वो सरकार से कह के जबरदस्ती इन राइट्स को रिस्टोर करवाया जा सकता है यदि किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स का खनन किया गया है कहीं पे भी तो वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है क्लियर अंडर आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल थर्टी टू के तहत तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के तहत आजादी है हाई कोर्ट में जाने के लिए क्लियर चलिए

Constitution. Constitution गारंटी लेता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बगैर किसी भेदभाव के जो है इन राइट को गारंटी किया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन क्लियर चलिए आगे बात करते हैं यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जो है मोटा मोटा सात कैटेगरीज हैं एक्चुअली तो जो है छह कैटेगरीज रह गई हैं राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया है तो सबसे पहले हम लिस्ट कर लेते हैं कि इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली ओरिजिनली क्लियर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन सी कौन सी कैटेगरी में थी सबसे पहली कैटेगरी आती है राइट टू इक्वेलिटी ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं लेकिन फिर से बता देते हैं अच्छा हर लेक्चर में हम एक इंडिविजुअल कैटेगरी को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जैसे सबसे पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तो हम एक लेक्चर पूरा का पूरा राइट टू इक्वालिटी को ही डिस्कस करेंगे फ्रॉम 14 टू 18 आर्टिकल्स इंडिविजुअली क्लियर चलिए सेकेंड हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम इसके अंदर भी कई सारे जो है हमारे पास राइट्स हैं क्लियर ये यूजुअली 19 टू 22 जो है हमारे पास होते हैं थर्ड हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्लियर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो कि हमारे तेईस से चौबीस कह सकते हैं फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की अपनाने की उसको चलाने की फॉलो करने की संपूर्णतः आजादी है आर्टिकल 25 से लेके 28 के अंदर 25 फाइव टू ट्वेंटी एट हमारे पास जो कैटेगरी है जो टाइप ऑफ राइट्स हैं, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि हमारे पास है 29 एंड 20 सॉरी uh, 30 में उसके बाद जो छठा अधिकार था बेसिकली जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको एबॉलिश कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी हैव जो कि हमारा था आर्टिकल 31 एंड दिस हैज नाउ बिन एबॉलिस्ड या रिपील्ड भी कह सकते हैं क्लियर और इसको फंडामेंटल राइट right ना बना के अब एक लीगल राइट right बना दिया गया है क्लियर कि ये आपका फंडामेंटल राइट right नहीं है लेकिन लीगली आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं चलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये वो पावर है जो एक आम आदमी को दी गई है यदि उसको लगे कि उसके किसी भी अधिकार का मूल अधिकार का हनन हुआ है तो अंडर आर्टिकल थर्टी टू दैट पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट तो ये उसको आजादी देता है कि अगर उसे लगे कि मेरे किसी भी आर्टिकल का खनन किया गया है राइट का खनन किया गया है उसमें मेरी अभिव्यक्ति की आजादी को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई गई है स्टेट द्वारा या किसी दूसरे बंदे के द्वारा तो वो अंडर आर्टिकल बत्तीस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ले सकता है डायरेक्टली कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट क्लियर देखिए फंडामेंटल राइट्स के केस में आपके पास आजादी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अदरवाइज राइट्स में आप नहीं जा सकते यदि कोई और आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप हर बारी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आपको निचली अदालत से स्टार्ट करना होता क्लियर चलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीट किया गया था वो हमारा किया गया था अंडर फोर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल में संविधान संशोधन में जो है इसको चेंज कर दिया गया था जो कि बेसिकली अठारह सो सॉरी उन्नीस अठहत्तर में हुआ था और नाउ इट हैज बीन मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए आर्टिकल तीन ए में इसको अब एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया है जिससे कि पार्ट ट्वेल्व में है कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियर चलिए ये जस्ट इमरजेंसी के बाद का दौर है क्लियर Okay. तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट क्या क्या फीचर्स हैं कैसे कैसे इनको देखा जा सकता है क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं इंपॉर्टेंस हैं क्लियर चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फीचर फंडामेंटल राइट्स का दीज फंडामेंटल राइट्स out of them some are available only to the citizen while other are available to all the persons whether citizen foreigner legal person from any corporation or company so some are available to the citizens only while others are available टू ऑल दैट कुड बी सिटीजन कोई भारतीय नागरिक हो सकता है कोई फॉरनर हो सकता है जैसे आर्टिकल फोर्टीन अगर देखें इक्वालिटी बिफोर लो तो आर्टिकल फोर्टीन जो है कोई फॉरनर हो सकता है कोई भारतीय सिटीजन हो सकता है सभी को जो है इस आर्टिकल के अगेंस्ट जो है इस आर्टिकल में जो है संरक्षण मिलता है इक्वालिटी बिफोर लो इन एन इक्वल मैनर manner irrespective ऑफ देयर सिटीजनशिप वेदर foreigner और इंडियन क्लियर कुछ राइट्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 15 हो गया आर्टिकल 16 हो गया जो केवल और केवल सिटीजन के लिए ही अवेलेबल होते हैं बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं क्लियर चलिए सेकंड है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड यह बात समझिए आप दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इस बात को समझिए देखिए कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट तब बन जाता है जब वो बगैर किसी बंदिश के हो जब वहां पे कोई भी आपको बंदिश ना हो कोई भी बंदिश आ, स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए एम सॉरी ना हो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी उसमें रुकावट ना हो उसमें कोई भी बंदिश ना हो बट क्वालिफाइड मतलब कि इतना जरूर है कि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इनके जो है एक्सरसाइजिंग में जैसे क्वालिफाइड का एक दूसरा मतलब कह सकते हैं आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैं जैसे राइट टू स्पीच ले लेते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स देखिए कोई भी चीज यदि एब्सोल्यूट होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सिर्फ एक केस में छोड़ दे के जो एब्सोल्यूट राइट right दिया गया है वो किसी अत्याचार के खिलाफ है जैसे राइट टू स्पीच एंड एबोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी इन दोनों राइट को देखिए पॉपुलर राइट है आर्टिकल सेवनटीन अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये एक राइट है जिसको आप कह सकते हैं कि यह एब्सोल्यूट इन नेचर है एब्सोल्यूटिव नेचर के इस पर किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं डाली गई है मतलब क्या है अब राइट की अब वर्डिंग्स देखिए अबोलिश खारिज करते हैं अनटचेबिलिटी को छुआछूत को हर एक सिरे से हर एक तरीके से क्लियर जब आप किसी चीज को बिल्कुल संपूर्ण तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं तब आपको एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है क्लियर आपको वो पावर एब्सोल्यूटली देनी पड़ती है कि अनटचेबिलिटी को जड़ से मिटाना है तो आपको जो है उस अधिकार को काफी ज्यादा एब्सोल्यूट करना पड़ेगा मतलब उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते कि इस तरीके की अनटचेबिलिटी चल जाएगी इस तरीके की चल जाएगी नहीं आपको उसको सिरे से खारिज करना है नकारना है तो आपको उसको जो है एब्सोल्यूट कैटेगरी में देना पड़ेगा कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं होने वाली है उसको हटाना ही हटाना है क्लियर दूसरी तरफ यदि आप देखें कि राइट टू स्पीच अब राइट टू स्पीच की अगर बात करें तो क्या लगता है कि क्या राइट टू स्पीच जो है वो हमारा एब्सोल्यूट राइट right है क्या हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसको जरा सोचिए राइट टू फ्रीडम जो है उसमें ये आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 19 के अंडर अगर हम इसको एक्सरसाइज करें क्लियर तो आप ये देखिए कि राइट टू स्पीच जो है क्या ये एब्सोल्यूट है अगर इसको एब्सोल्यूट कर दिया जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप कुछ भी बोले अब कुछ भी बोलने में तो हो सकता है आप शायद देश के खिलाफ बोले क्लियर अब अगर इतना एब्सोल्यूट कर दिया जाए कि देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को भी जो है आप पनिश नहीं कर सकते तो ये तो सरासर गलत है क्लियर इस वजह से कई राइट्स को एब्सोल्यूट नेचर नहीं प्रदान किया गया है उन पे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप जो है इनको कंप्लीटली जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते कहीं ना कहीं आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि ये आपका जो है राइट right बनेगा ये नहीं बनेगा क्लियर मतलब कल को यदि आप कहने लग जाए कि हमारा ही देश खराब है तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी आर्मी को अपने नेताओं को कोसने लग लग या उनमें अपने देश के सीक्रेट कर जाए करने लग जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज माई राइट टू स्पीच क्योंकि उससे देश की जो है सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो निकल के आता है all these rights are available against the arbitrary action of state is baat ko samjhiye arbitrary action of state State यहां पे सेंट्रल government मतलब भारत ये सभी right जो है आपको पावर देते हैं कि यदि आपको लगे कि स्टेट जो है अपनी तानाशाही चला रहा है स्टेट जो है अपनी तानाशाही उतर उतरहा है तो ये सभी राइट जो है आप इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं मतलब राइट टू फॉर्म एसोसिएशन देखिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड आर्मलेस प्रोटेस्ट या आप कह सकते हैं राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स विदाउट आर्म्स असेंबली कह सकते हैं असेंबल विदाउट आर्म्स तो ये किस लिए है ये इसीलिए है कि यदि कल को स्टेट इतना ताकतवर हो जाए कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स का भी हनन करने की कोशिश करे तो लोगों के पास ये फंडामेंटल अधिकार रहेगा कि वो एकजुट हो सकते हैं और स्टेट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव्स क्यों क्योंकि क्यों लोग अगर समूह में नहीं काम करेंगे तो ऑब्वियसली स्टेट बहुत पावरफुल बन जाएगा इसीलिए हमारे पास ये अधिकार हैं जो कि बेसिकली हमें स्टेट के खिलाफ जो है हम यूज कर सकते हैं जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आप ले लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टेट को पूर्णतः मना किया गया है कि किसी भी प्रकार से वो डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं कर सकती ना ही बेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी आधार पे सरकार जो है मतभेद या भेदभाव नहीं कर सकती तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार के ही खिलाफ है क्लियर सरकार को रोकने की कोशिश है तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आप देखेंगे तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो सरकार के खिलाफ हैं क्लियर जहां पे सरकार पे कुछ बंदिशें लगाई गई हैं कहीं कहीं पे आदमी पे भी बंदिशे लगाई गई हैं जैसे राइट टू एक्सप्रेशन है ऑफ थॉट्स कि आप इस तरीके से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ना करें कि उससे देश के किसी भी प्रकार से कोई भी हानि हो क्लियर सो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन नेचर मतलब सम ऑफ दर पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अदर्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर सम ऑफ देर नेगेटिव इन कैरेक्टर मतलब कहीं कहीं पे जो है वो बंदिश लगाई गई है प्रोहिबिट किया गया है और कहीं कहीं पे अलाउेंस की फॉर्म में है कि आपको जो है यह अलाउ किया जाता है और सरकार को यह प्रोहिबिट किया जाता है क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर जस्टिस मतलब आप कोर्ट से जो है उनको एनफोर्स करवा सकते हैं मीन्स कैन बी एनफोर्स बाय द कोर्ट चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है सुप्रीम कोर्ट तो बेसिकली इनकी गारंटी कौन लेगा इनकी गारंटी लेगा सुप्रीम कोर्ट क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकारों का यदि हनन होता है तो उनको रिस्टोर कौन करेगा उनको रिस्टोर करेगा सुप्रीम कोर्ट क्लियर चलिए दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट ये जो है ये लेटर ऑन एमरजेंसी के टाइम पे बातें निकल के आई थी कि दे आर नॉट परमानेंट ऐसा हम किस लिए कह सकते हैं ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया तो यदि परमानेंट इन नेचर होते तो एबॉलिशमेंट पॉसिबल नहीं था तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो एबॉलिशमेंट हुआ वहां से यह क्या पता लगा कि भाई ये परमानेंट नहीं है पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील मतलब इनको हटा भी सकता है इनको अमेंड भी किया जा सकता है अंडर पावर्स ऑफ आर्टिकल गिवन अंडर 368 मतलब पावर्स ऑफ पार्लियामेंट गिवन अंडर द आर्टिकल 368 बट विद रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड देम ओनली विदाउट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा है जो बिल्कुल फाउंडेशनल ढांचा है जो बिल्कुल एक प्रायोरिटी है जो अपने वो लोगों को देता है आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं आप उसको नहीं बदल सकते हैं कल को यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम तो राइट टू लाइफ नहीं देंगे तो वो ऐसा नहीं कर सकती वो चाह के भी उसको अमेंड नहीं कर क्लियर बिकॉज राइट टू लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट क्लियर चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है कि इमरजेंसी के दौरान जो है कैन दे बी सस्पेंडेड क्या हम फंडामेंटल राइट right को सस्पेंड कर सकते हैं मतलब कुछ टाइम के लिए ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स नहीं चलेंगे तो हाँ फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तो इसका आंसर रहेगा कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी दे कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इन दो को छोड़ के फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड किया जा सकता है अंडर नेशनल इमरजेंसी चलिए और आर्टिकल 19 पे यदि आप रेस्ट्रिक्शन देखेंगे आर्टिकल 19 कैन ओनली बी सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल मतलब जंग के टाइम पे जो है आर्टिकल नाइनटीन में जो राइट दिए गए, है, है? है गए हैं बेसिकली आर्टिकल नाइनटीन क्या है आर्टिकल नाइनटीन के जो राइट्स है वही राइट टू फ्रीडम राइट टू जो है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट क्लियर ये सभी आर्टिकल के अंदर आपको दिए गए हैं तो इनको वॉर के टाइम पे ही जो है सस्पेंड किया जा सकता है अगर नॉर्मल टाइम में सरकार कहे कि आप असेंबल नहीं हो सकते या आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप एसोसिएशन नहीं बना सकते तो वो काम नहीं करेगा क्लियर एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान केवल जो है आर्टिकल 19 को खारिज किया जा सकता है और ट्वेंटी और ट्वेंटी को किसी भी चीज के दौरान खारिज नहीं किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी हो क्यों क्योंकि ये foundation right ये फाउंडेशन राइट है आपकी जीविका के लिए है आपके जीवन के लिए राइट में हम और भी पढ़ेंगे इंटरनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी क्लियर आर्टिकल 352, 56, 60 क्लियर प्रेजेंट रूल चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे के जब फंडामेंटल राइट्स को जो है रिपील किया जा रहा था क्लियर सो so, वहां पे एक आर्टिकल थर्टी वन सी को जोड़ा गया आप केवल इसके बारे में ध्यान रखिए क्लियर आर्टिकल थर्टी वन सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर आर्टिकल थर्टी वन सी जो है कहता है इट सेव्स सम लॉज मतलब लॉज को बचाने के लिए भी एक आर्टिकल है ियर सेव समिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी एक प्रॉब्लम आई थी कि भाई यदि हम डीपीएसपी को फॉलो करने जाते हैं जब हम डीपीएसपी को फॉलो करते हैं क्लियर डीपीएसपी में जो गाइडलाइंस गिवन है उनको फॉलो करते हैं जैसे अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन कहें या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई स्पेशल जो है प्रोविजन बनाना हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां राइट टू इक्वालिटी से छेड़छाड़ तो होगी ही होगी जैसे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटी जो बना रखी है इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है दैट इज

अधिकार को छीना गया है इस राइट को बना के तो वहां पे आता है आर्टिकल 31C. आर्टिकल सी सी कहता है कि नहीं भाई आपके फंडामेंटल राइट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ये बेसिकली DPSP को जो है कानून को अमन में अमल में लाया गया है डीपीएसपी के कारण उनकी अपलिफ्टमेंट के कारण क्लियर चलिए तो कुछ आर्टिकल्स जो हैं जो कि फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश करते हैं लेकिन वो सर्टेन डीपीएसपी के द्वारा जो है लाए गए हैं तो उस केस में जो है आपको आर्टिकल थर्टी वन सी के अंदर संरक्षण मिलता है कि भाई थर्टी वन सी के अंदर आप उस आर्टिकल को रख देंगे तो वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है हटाया नहीं जा सकता क्लियर ऑन द बेसिस दैट इट इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट दैट कैन नॉट बी रिपीट क्लियर चलिए टेंथ देर एप्लीकेशन द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस अब यहां पे देखिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस अब यहां पे देखिए यहां पे आता है दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि यदि आप पैरामिलिट्री में हैं फौज में हैं तो आपका राइट टू लाइफ जो है अधिकार वो उस तरीके से काम नहीं करता जैसे एक नॉर्मल सिटीजन का काम करता है क्लियर क्यों क्योंकि यदि आप पुलिस में हैं या पैरामिलिट्री में हैं तो राइट टू लाइफ आपको जो है हो सकता है एक प्रॉपर ड्यूटी की और एक प्रॉपर स्लीप के लिए भी अवेलेबिलिटी देता हो लेकिन कभी कभार सरकम ऐसे हो जाते हैं जहां आप चैन से नहीं सो सकते हैं क्लियर या आपकी जान को भी खतरा हो सकता है तो वहां आप जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा मेरे पास तो राइट टू तो लाइफ था तो मेरे को इस मिशन पे क्यों भेजा गया या मेरे को इतनी देर ड्यूटी क्यों करवाई जा रही है क्योंकि दीज आर ऑल रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री इट मे बी द इंटरनल सिक्योरिटी और मे बी द एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्लियर चलिए सो देर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इनफोर्स इन एनी एरिया मीन्स मार्शल लॉ के दौरान दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड मार्शल लॉ बेसिकली होता है मिलिट्री रूल जैसे कि अभी मणिपुर में जो दंगे चल रहे हैं क्लियर तो वहां पे मिलिट्री रूल लगा दिया जाए और मिलिट्री रूल के अंडर जो है एक काइंड kind ऑफ of जो है पावर दे दी जाती है आपको किसी दूसरे के अधिकार लेने की भी जैसे लाइफ लेने की क्लियर अगर आपका कोई आर्म्ड रेबिलियन है वहां पे जो है मिलिट्री रूल लगा दिया गया है उस एरिया में तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते वो आपका राइट टू लाइफ गारंटी नहीं कर सकते अगर आप उसका पार्ट हैं तो क्लियर चलिए सो ये थे आपके कुछ फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के लिए इसके बाद चलते हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट right, क्या क्या देता है और जो है कैसे कैसे जो है इनको हम स्टडी करेंगे क्लियर तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपके मैंने राइट्स लिख के बता दिए इनके अंडर भी जो है कुछ सर्टेन राइट हैं क्लियर तो हम बारी बारी इन सभी को जो है डिस्कस करेंगे उससे पहले यदि आप देखना चाहें मैंने पहले भी आपको कहा है कि भाई कुछ राइट्स जो है पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ राइट्स जो है वो फॉर ऑल है एक्सेप्ट एनिमी ये सिटीजनशिप में भी हमने डिस्कस किया था क्लियर तो यहां पे भी आप देख सकते हैं मैं केवल और केवल आर्टिकल लिखूंगा आर्टिकल फिफ्टीन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो ये ओनली फॉर सिटीजन है क्लियर जबकि इनको मिलता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लो सिटीजनशिप को मिल सकता है आर्टिकल सिक्सटीन राइट टू पब्लिक सर्विस क्लियर यहां पे आपका आता है आर्टिकल ट्वेंटी जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस क्लियर यहां आपको मिलेगा आर्टिकल नाइनटीन पीसफुल एसोसिएशन एक्सप्रेशन असेंबल मूवमेंट रेजिडेंस एंड प्रोफेशन यहां पर आपको मिलेगा आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रोटेक्शन तो देखिए बिल्कुल जो बेसिक राइट हैं वो वो ही दिए गए हैं क्लियर यहां पर आपको मिलेगा आर्टिकल ट्वेंटी वन तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है देखिए ये जो सारे राइट्स हैं ये सिटीजन के लिए तो है ही क्लियर चलिए आर्टिकल ट्वेंटी वन होगा ही होगा ट्वेंटी वन ए एलिमेंट्री एजुकेशन ये फॉरनर को भी अलाउड है कि वो भी हमारे देश में जो है सरकारी और फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं क्लियर चलिए सो आर्टिकल ट्वेंटी टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टेन केसेस क्लियर मतलब आपको अरेस्ट किया जा सकता है यदि आप एनिमी कंट्री से हैं तो क्लियर लेकिन अगर आप कोई फ्रेंडली कंट्री से हैं तो सर्टेन केसेस में जो है आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्लियर आपके उसी तरीके से जो है लॉ बन जाएंगे जो कि हमारे पास नॉर्मल सिटीजन के लिए है क्लियर चलिए आर्टिकल ट्वेंटी थ्री प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ह्यूमन ट्रैफिक का पार्ट फॉरन foreign भी फॉरनर भी नहीं हो सकते उनके लिए भी प्रोहिबिशन है सरकार को उन्हें भी रोकना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम फॉरन से चिल्ड्रन ले आए और उनको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं किसी भी टाइप के हूँ चिल्ड्रन यहां के हूं या फोरन के हूं क्लियर उनके एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोहिबिशन प्रोहिबिट नेचर का है मनाही करी गई है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज क्लियर तो इस तरीके से कई सारे लॉज हैं जो आपके जो है एक फॉर सिटीजन को भी जो है दिए जाते हैं क्लियर चलिए तो ये हमारे पास जो है एक रिव्यू निकल के आता है दे कैन ऑल्सो मैनेज देर रिलीजन एंड राइट फॉर टैक्सेज क्लियर ये सभी जो है फंडामेंटल राइट उनके लिए भी है फॉरनर के लिए भी है चलिए तो इसके बाद जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा कि भाई राइट टू इक्वालिटी एंड उसके सब राइट क्लियर जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से एटीन और इसके अंदर जो पार्ट्स होंगे उन सभी को हम बारी 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 जो है कवर करेंगे क्लियर चलिए इनके दोनों पहलू को हम समझेंगे क्लियर लेफ्ट राइट हर तरीके से उसके बाद जो है आप इनको देखेंगे तो अगला लेक्चर काफी लंबा होने वाला है बी प्रिपेयर्ड क्लियर चलिए ये था बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स का इसके बाद हम जो है इंडिविजुअल एक एक राइट को जो है स्टडी करेंगे चलिए थैंक यू